मान जाएंगे सब। एक की चोट पर इतनी हाय तौबा, दूसरे की चोट पर एक शिकन तक नहीं। छी छी, झूठ बोलूं तो जुबान जल जाए आशा की पुपी चाहती, मगर चोट तो जीनत बेबी को तो लगी है। फिर आमिर मियां ने भला जीनत बेबी से कुछ भी नहीं पूछा क्यों? अब क्या कहूँ आयशा बेटा, कुछ कहूंगी तो सब बुरा मान जाएंगे। लेकिन तुमने जारा को देखा कैसे चुपचाप आमिर मियां के साथ चली गई कमरे में? ये तक नहीं कहा आमिर मियां से, कह रहे जीनत आपा को भी चोट लगी है, जरा उनका भी हाल पूछ लीजिए। ना इतना नहीं हुआ क्योंकि जीनत बीबी की तो फिक्र ही नहीं है ना किसी को। कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगे जीनत बेटा, लेकिन आज सुबह तुमने मुझे बदतमीजी से ही सही लेकिन पलट कर जवाब दिया था तुमने मुझे। किस अंदाज में कहा था तुमने कि तुम्हें अपने शौहर पर पूरा भरोसा है, उसकी मोहब्बत पर बहुत यकीन है तुम्हें। तो बेटा हो गया ना, दूध का दूध और पानी का पानी। फिर कहने का मतलब है क्या खूब निभाई है आमिर मियां ने मोहब्बत, और क्या भरोसा है तुम्हें अपने शौहर पर? कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगी जीनत बेटा, लेकिन बेटा तुम बहुत भोली हो और समाना बड़ा खराब हो गया है, बदलता जा रहा है। अरे भाई, भाई का गला काटने में इतना सा भी हिचकिचाता नहीं है। और बहन, बहन अपनी सगी बहन का घर लूटने में इतना सा भी नहीं हिचकिचाती है आजकल। तोबा तोबा, अब कर भी क्या सकते हैं आयशा बीबी, जमाना ही कमबख्त ऐसा बदल गया है। जारा प्लेट चाहिए। आमिर हम ठीक है, आप पापा के पास जाइए। जारा तुम्हें इस हालत में छोड़ के मैं? पापा को भी तो चोट लगी है, उन्हें आपकी जरूरत है। क्या? लेकिन पुप्पी ने तो मुझे सिर्फ तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बताया। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, इसीलिए मैं जाके जीनत को देखता हूँ। हाँ? जीनत, कैसी हैं आप? क्या हुआ, सो गई क्या? जीनत, मुझे तो अभी अभी जारा ने बताया कि एक्सीडेंट में आपको भी चोट लगी है। मुझे बताएं कि आमिर, प्लीज, मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी खरोच है, ठीक हो जाएगी। आप प्लीज जारा के पास जाइए, उसे आपकी जरूरत है। अब मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है। ठीक है जीनत, आप आराम कीजिए, कल सुबह बात करते हैं। गुड नाइट। Good night. पुपी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने मुझसे ये क्यों कहा कि सिर्फ जारा का एक्सीडेंट हुआ है? हाँ? मैंने ऐसा कहा तुमसे? अरे नहीं आमिर मियां, कमाल करते हो तुम, तुम्हारे सुनने में कोई गलत फहमी हुई होगी बेटा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, अरे पूरा घर जानता है कि जारा और जीनत साथ में गई थी, एक्सीडेंट साथ में हुआ। फिर
बेटा, मैं भला क्यों ऐसा कुछ कहूंगी। हो सकता है फूफी सही कह रही है, शायद मैंने ही घबराहट में गलत सुन लिया हो। फूफी जान, अरे झूठ बोलो तो जुबान जजा आशा की, मगर सच में आपने तो इन सबका जोग्राफिया ही बदल के रख दिया। आयशा जान, ये तो शुरुआत है बेटा, तुम देखो अभी असली रंग जमने वाला है। अम्मी आपसे एक बात पूछनी थी। अरे भाई, हमें भी तो बताओ क्या बात है जो सुबह सुबह तुम सना भाभी के हाथ धोकर पीछे पड़ गई हो, बोलो ना क्या है। अम्मी जान, रात को हमें उस तस्वीर का ख्याल आया था। किस तस्वीर की बात कर रही हो तुम? वही तस्वीर अम्मी, जो आप प्रेम करवाने के लिए लेकर गई थी। कब आएगी वो तस्वीर? अगर आप कहे तुम खुद जाकर ले आए उसे। आ जाएगी बेटा, फ्रेम बनाने के लिए दिया है ना, जिनके यहाँ दिया है वो बहुत अच्छी फ्रेम बनाते हैं, थोड़ा सा वक्त लगता है बस। ठीक है अम्मी जान, आप नाश्ते में क्या लेंगी, हम अभी बना कर लेकर आते हैं। हाँ रहने दो ना, जीनत लाएगी। आपा ये सब क्या है? नाश्ता है जारा। और क्या, हम नाश्ते की बात नहीं कर रहे हैं, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? हमने आपको काम करने से मना किया था ना, और फिर आपके हाथ पर भी चोट लगी है, फिर भी आपने नाश्ता बनाया। एक सेकंड जारा, जरा सी चोट क्या लग गई, तुमने तो मुझे अपाहिजी बना दिया। थोड़ा सा काम करूंगी तो मर नहीं जाऊंगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही हो, और तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे आज तक इस घर का सारा काम तुम ही करती आई हो। आपा हमने तो बस सारा, बहुत बोल चुके, सब समझती हूँ मैं। जीना, ये कोई तरीका है बात करने का? और जारा ने ऐसा क्या कह दिया कि तुमने सारा आसमान सर पे चढ़ा लिया? और ठीक ही तो कहा है जारा ने कि तुम्हें आराम करना चाहिए, एक तो इतनी फिक्र है उसे तुम्हारी और तुमों की, उसे ही बुरा भला कह रही हो। फाइन सामर, आप हमारी बात तो सुनिए। बस सारा, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। गुलजान, लोहा गरम है, मार तो हथौड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जीनत, क्या हमारी किस्मत भी इन दोनों की तरह एक साथ ही रहेगा? हाँ,
लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर आप माने तो। जैसे अब आप ना सिर्फ जिंदगी भर हमारा साथ निभाएंगे बल्कि ताउम्र हमें इसी तरह प्यार करेंगे। चाहे हालात कुछ भी हो, हमें कुछ भी हो जाए, आप अपनी जीनत का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ और हमारी जीनत एक तरफ। बस एक जारा के आ जाने से हमें आपके वादों की चमक फीकी पड़ गई ना, सारे वादे सारे इरादे भूल गए ना आप। अगर कुछ याद रहा तो सिर्फ सारा। ठीक ही कहा है पुप्पी ने, घर वालों की तरह आप भी सारा को ही ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है सारा क्योंकि तुमने आमे को नहीं रोका। पता नहीं तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम शायद ये भूल रही हो सारा कि तुम इस घर में सिर्फ इसलिए आई थी ताकि कोई मेरे आमिर को मेरी मोहब्बत को मुझसे ना छीन सके, और आज तुम खुद ही मेरे आमिर को मुझसे दूर कर रही हो सारा। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा, क्यों? जीनत बेटा, मैं तुम्हारा दर्द तुम्हारी तकलीफ बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा आमिर मियाँ की मजबूरी भी तो मजबूरी। कैसी मजबूरी फूफी? कल भी आमिर ने सबके सामने सारा की ही तरफदारी की थी, और आज भी। क्या सारी मजबूरियां जीनत से शुरू होकर जीनत पर ही खत्म हो जाती है? ना जीनत, ना बेटा, इस तरह की बातें नहीं करते। अब कुछ कहूंगी ना तो तुम बुरा मान जाओगी बेटा। लेकिन जीनत बेटा, तुम्हारा ये जो कहना है ना, उससे सबकी नजरों में गलत कौन साबित हुआ? तुम ही गलत साबित हुई ना। अगर बेटा ऐसा ही चलता रहा ना, तो फिर जारा आमिर और सभी घर वालों की नजरों में ऊंची उठ जाएगी और तुम नीचे बैठ जाओगी। जीनत बेटा, ये वक्त जल्दबाजी से काम लेने का नहीं है बल्कि समझदारी से लेने का है। अब देखो बेटा, कुछ कहूंगी तो बुरा मत मान जाना, लेकिन बेटा चाल तो चलनी ही पड़ेगी। जीनत बेटा, मेरी एक बात मानो, जो सलाह दूंगी वो जरूर करना, और जाकर जारा को सॉरी बोल दो। मेरी बात मानो, वरना बेटा कहीं ऐसा ना हो कि रेत की तरह तुम्हारे हाथों से वक्त फिसल के रह जाए। हाँ, गुड गर्ल। झूठ बोलू तो जुबान जल जाए ऐसा कि पुपी जान। अरे कब्बखत मारी, अब क्या हो गया? अरे आप तो तोड़म तोड़ एक्सपर्ट थी ना, ये जोड़म जोड़ी क्यों कर रही है? अरे आयशा बीबी, एक्सपर्ट तो मैं अब भी हूँ। अब तुम मुझे बताओ, टूटता वही है बेटा जो जुड़ता है। हर कमबख्त गोल को टूटी हुई चीजें जोड़ना और जुड़ी हुई चीजें तोड़ने में बड़ा ही मजा आता है, कसम खुदा की। अब कुछ समझी? अब शुरू होगा ना असली खेल, हम दोनों पास और वो दोनों फेल। जारा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जीनत तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर सकती है। मुझे तो जीनत की फिक्र हो रही है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें आमिर, दादी ने हमें बताया है कि जब कोई लड़की माँ बनने वाली होती है तो उसके ऐसे ही मूड स्विंग्स होते रहते हैं,
कभी गुस्सा आ जाना, फिर अचानक से हंसने बोलने लगना, ये सब आम बातें हैं। देखिएगा आप अभी कुछ ही देर में सब भूल जाएंगी। मैं तो भूल गई जारा। और प्लीज तुम भी भूल जाओ, मुझे माफ कर दो जारा। पता नहीं किस खुमारी में मैं इतना सब कुछ भूल गई। आई एम रियली सॉरी। देखा मैं, आप फिजूल में ही फिक्र कर रहे थे। आपा, आपके आमिर साहब फिक्र में घुले जा रहे थे। आप हमसे एक वादा कीजिए, अब आप अपना पूरा ख्याल रखेंगी। ठीक है, किया। चलिए अब जाकर आराम कीजिए। ठीक है बाबा, जा रही हूँ, लेकिन तुम भी आराम करो, अपना ख्याल रखो सारा। मैं बहुत खुश नसीब हूं जारा कि मेरी जिंदगी में आप। आप बैठिए, हम आपके लिए कॉफी बनाकर लाते हैं। आपकी पायल कहां गई? अरे हमारी पायल लगता है कहीं गिर गई होगी। हमें कुछ याद नहीं आ रहा कि कहाँ है, हम अभी ढूंढते हैं। कहाँ चली गई पायल? सारा घर छान लिया लेकिन कहीं नहीं मिल रही। अब यहाँ भी ढूंढकर देख ही लेती हूँ। गलती से हमसे गिरकर टूट गया, हमने देखा नहीं था, हमारा हाथ लग गया। हाय अल्लाह! अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगी जारा, तोड़ दिया ये। आजकल तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता जारा बेटा, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या तोड़ा है? अरे तुमने जीनत का प्यार टुकड़े टुकड़े कर दिया, कोई कांच का टुकड़ा नहीं तोड़ा है तुमने। ये जो देख रही हो ना तुम, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये कोई मामूली डांसिंग बॉल नहीं है, बल्कि तो जीनत का प्यार था जिसे जीनत ने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था, और बेटा तुमने वही तोड़ दिया। आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं जहरा, गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है जो एक ऐसी चीज को अपने दिल से लगा बैठी जो इतनी नाजुक थी कि एक ठेस लगी और टूट गई। जो टूट गया वो तो टूट गया जारा, शायद टूट के बिखरना ही इसका नसीब था।